तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ शाम के वक्त में। और यहाँ पे गणेश जी खड़ी होके फिर विचार कर रही है। और गाइस, हम आज बनाने वाले हैं चिकन का रेसिपी। मौसम भी वैसे बाहर में बहुत ज्यादा गंदा बनाया था, मतलब गंदा क्या यार, बहुत ज्यादा ठंडा खाना वाना सब बना लिए है गणेश जी। अब बना रही है चिकन करी, तो बोल रही है मुझे कि तू बना दे और मैं बैठ के देखती रहूंगी। तो देखते हैं, मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है तेरे हाथ का बनाया हुआ। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे 10 गुना बेटर बनाती है गाइस। तो अभी यहाँ इस कुकर में बनेगा हमारा चिकन करी। और ये मैं अभी खड़ा मसाला रेडी कर रही हूँ, थोड़ा सा सीक्रेट मसाला बोलते हैं इसको। सीक्रेट मसाला, एक खड़ा मसाला सीक्रेट मसाला। कुछ भी मोटी इसी को बोलते हैं सीक्रेट। अच्छा, ओके। तो इसको पीसेगी क्या करेगी? तो इतना मसाला कोई होगा? ज्यादा मसाला भी नहीं खाना। कौन बोला? हमारे बच्चे के लिए सेहत के लिए अच्छा। किसी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इलियास की सेहत के लिए भी। इसका तबीयत कुछ अभी 2-3 दिन से खराब चल रहा है। अभी ठीक हूँ मैं आज ठीक है ना। दुआ करो गाइस, आपके दुआ से, आपके दुआ से बहुत जल्दी ठीक हो जाता। आप इतने लोग हो ना कि एक बार दुआ करोगे तो स्वर्ग पहुँच जाएगी। जरूर दुआ करना इसके स्वर्ग जाने की। प्रेयर करिए स्वर्ग जाऊँ। तो दुआ करो कि हमारा बच्चा भी थोड़ा हष्ट चंग बोंग हो जाए और मोटा ताजा निकले, मजा आ जाए देखने में भी, ऐसे मोटा रहे और आप सबको दिखाएंगे भाई। चलो फिलहाल तो इसमें तेल डल चुका है। चप्पल पहन के नहीं बनाते हैं खाना सब्जी, उतारो चप्पल। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा आग को तेज कर दिया जाए। उसको ऐसे ही डाल देगी, उसको पीसना वीसना नहीं है? कुटूंगी रे। अच्छा, कुटेगी? ओके। तो ये क्या, सबसे पहले तेज पत्ता क्या गर्म ही नहीं हुआ है? तू बोल रही है डाल दिया। तेज पत्ता गर, वो चर नहीं करता है? अच्छा, तो जलना तो चाहिए कम से कम, चर नहीं करता है ये। डाल के देखो, एक तो मिर्ची, वो तो डालूंगा ऐसे बना। तेल कहाँ डालिए, तेल तो है ही नहीं जैसा लग रहा है। गाइस, मुझे जबरदस्ती का ये चिकन बनवा रही है, डांट रही है। देखो भाई साहब ऐसे करती है, भाई करना ही चाहिए, डांटना भी चाहिए। तो मैं सबसे पहले डालूंगा मिर्च, उसके बाद डालूंगा प्याज, लहसुन, दुनियादारी, निकोर, चांदी। हकीकत बताऊं तो ये बॉयलर नहीं है समझे, इसलिए तेल ज्यादा डालना था, तो तेल ही नहीं है इसमें, कैसे बनेगा। तो गाइस, मैं अभी डाल चुका हूँ प्याज लहसुन वसुन सब, और इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है। और गाइस, मेरा पढ़ाई छोड़े हुए अभी लगभग 10 से 12 साल हो गया, फिर से पढ़ना चाह रहा हूँ मैं किस चीज का पढ़ाई कर रहा हूँ वो तो बाद में पता चल जाएगा। और इसको भी साथ में दोनों पति पत्नी पढ़ेंगे और हमारे बच्चे को भी लेके जाएंगे भाई। तो चलो देखते हैं लाइफ में कैसे कैसे होगा, क्योंकि मेरा गाइस बहुत बड़ा नौकरी लगने वाला है। कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए तो मेरे को बोला कर दिलाता हूँ, इस टाइम ब्रोकर बन गए हो कंप्यूटर डिप्लोमा का। चल बना के खिलाता हूँ आज, ज्यादा तारीफ करने से ना लाइफ में हमेशा खराब ही निकलता है, तो ज्यादा तारीफ लाइफ में करना नहीं चाहिए कोई सभी चीज के लिए। यहाँ पर मोटेगा हो गया मसाला रेडी। ये डाला गणेशी का सीक्रेट मसाला। अगर सीक्रेट मसाला नहीं है तो उसमें क्या क्या था आप बताओ? इसमें था लौंग, इलायची, गोटमारी, ऐसे कुछ कुछ था। तो यहाँ सारे किए कराए पे पानी फेर के मोटा ढक के चला गया है और ये पकेगा, तो जब तक पकता है इसको छोड़ देते हैं। मैं भी अपना काम करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सफाई कर देती हूँ, देखो पूरा गंदा हो गया, प्याज व्याज का छिलका पड़ा हुआ है, कच्चे घर में ऐसे ही होता है। अब इतना परेशान क्यों कर रहे हो चाची को? वाह 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 रे बेटू वाह, ए पकड़ 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 पकड़, गिर जाए। उसकी मम्मी वहाँ तमाशा देख रही है गाइस, देखिए हंस रही है, देख रही है भाई, इनका टाइम आ रहा है, इन लोग कैसे करेंगे करके तमाशा देख रही है। गजब है भैया, देखते रहो तमाशा। ट्रेनिंग तो हो ही रहा है, इसको तो 7 साल से एक्सपीरियंस है बच्चे खिलाने का, इतना इतना धीरे 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 धीरे। उसको प्यास लग रहा है तो पिला नहीं रही है, उधर भाग भाग बोल रही है। ललचाती है तो अच्छी बात है, पानी पीना, देख लो पूरा पानी गंदा कर दी। तो मैं चिकन डाला था लेकिन चिकन को डालते हुए नहीं दिखाया, तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। ये गाइस चिकन डल गया अपना और पूरा भर गया, और ये पकता नहीं है ना जल्दी, तो हम लोग इसको कुकर में पका रहे हैं। अब भाई ये कितना टाइम में पकेगा मुझे तो आइडिया ही नहीं है, गणेशी को आइडिया है तो बता दे गणेशी तू। और कुकर पूरा भर गया, छोटा कुकर होगा, नई कढ़ाई भी उतना ही लेता है। 2 kg चिकन है, अभी कुकर में पका रहे हैं इसलिए इसको ढक्कन लगा दिए हैं गाइस। ढक्कन लगाने के बाद अभी 4 सीटी देंगे तो कंफर्म होगा, क्योंकि ये ना कांकरेल चिकन है, वो उसका बोन्स है वो हार्ड रहता है, मांस भी हार्ड रहता है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ता है। और जो अपन नॉर्मल खाते हैं वो बॉयलर, वो तो बहुत ही जल्दी पक जाता है, उसको इतना पकाना भी नहीं पड़ता, इसको पकाना पड़ता है, इसलिए इसको 4 सीटी अभी लगाएंगे, उसके बाद खोलेंगे, फिर थोड़ी देर बाद पकाएंगे, देखेंगे पक गया कि नहीं, फिर देखते हैं कैसा बनेगा इलियस का बनाया हुआ चिकन। चिपकने वाला पूरा मजा आ गया मोटा। मजा तो आएगा ही दोस्त, क्योंकि बना ही वैसी है आज।
चेक करो पक गया क्या गाइस, चेक करो चेक करो। तो रसा तो बनाना पड़ेगा ना। तो गाइस हमने ग्रेवी भी डाल दिए है और ये मस्त बन रहा है। अनमोटा यहाँ पे टेस्ट करके देख रहा है मैं नमक ठीक है कि नहीं। गाइस बहुत टेस्टी है और बॉयलर से अलग ही टेस्ट है, तो मुझे अगर ये मिल जाता हमेशा तो यही खाते, मैं ज्यादा वो केमिकल नहीं डालते है ना बढ़ने वाला, बाकी को इंजेक्शन लगाते हैं। तो मैं तो बोल रही हूँ कि अगली बार से यही लेके आना, वो बॉयलर मत लाना।